उन्नाव और कठुआ गैंगरेप कांड को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। आम जनता से लेकर विपक्ष तक सभी सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर कब मिलेगा इन बेटियों को न्याय। लेकिन विपक्ष के इन हमलों से बीजेपी तिलमिला उठी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि विपक्ष संवेदनशील मामलों पर राजनीति कर रहा है, लेकिन ईरानी अब अपनी ही सरकार का बचाव कर पूरी फंसती नजर आ रही हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के फार पर गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने पूछा कि क्या पीएम को चूड़ियां नहीं भेजेंगी आप। देश को झकझोर कर रख देने वाले उन्नाव और कठुआ गैंगरेप कांड को लेकर विपक्ष लगातार पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तो कल देर रात दिल्ली की सड़कों पर उतर आए और मोदी सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आईं और कहा कि सरकार रेप मामलों को गंभीरता से ले रही है, लेकिन कई लोग इन मामलों पर सियासी रोटियां सेकने पर तुले हैं। साथ ही स्मृति ने विपक्ष को संवेदनशील मामलों पर राजनीति न करने की नसीहत भी दी। दूसरों को सियासत न करने की सलाह देने वाली केंद्रीय मंत्री को गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अब आईना दिखाया है। हार्दिक ने उन पर तंज कसते हुए पूछा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ वे महिलाओं की लड़ाई में आगे रही थी, लेकिन अब वे क्या कहेंगी। हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी के उन्नाव और जम्मू कश्मीर के कठुआ के बलात्कारी घटना के बाद भाजपा सरकार की महिला मंत्री स्मृति ईरानी क्यों चुप है। दिल्ली की निर्भया को न्याय दिलाने के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजने वाली स्मृति दीदी आज के प्रधानमंत्री जी को क्या भेजेंगी। अब हार्दिक के इस बयान पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना बाकी होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।